वजीर तालीम सिंध सईद गनी का वफाक के तहत महकमे तालीम के हवाले से NCOC इजलास में मौकफ। सईद गनी ने कहा रवां साल किसी सूरत बगैर इम्तिहानात के क्लासेस में बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हमारी तजवीज़ है कि तमाम तालीमी इदारे बंद न किए जाएं। प्राइमरी स्कूल्स में इनरोलमेंट 73% है, इनको बंद किया जाए जबकि छठी जमात और इसके आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। सईद गनी ने यह भी कहा कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात मई और जून में लेने का फैसला न किया जाए। इस हवाले से सूरत हाल को देखकर बाद में फैसला किया जाए। सईद गनी ने कहा छोटे निजी स्कूल्स को माली रिलीफ फराहम करने के हवाले से उन्हें बैंकों के जरिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएं, जबकि स्कूलों के साथ साथ हमें ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स को भी इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा जो स्कूल्स ऑनलाइन तालीम देना चाहते हैं वो ऑनलाइन तालीम देते रहें, लेकिन अगर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते और अपने बच्चों को घर पर ही तालीम दिलवाना चाहते हैं तो स्कूल्स को भी पाबंद किया जाए कि वो इन बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न लें।